है शिमला बाईपास रोड पे। नगर निगम और बीजेपी सरकार स्वच्छ भारत अभियान के गुणगान करती नहीं थकती। वहीं स्कूल के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने में खासा परेशानी हो रही है। गंदगी के साथ बदबू इस कदर है कि बच्चों को मुंह पर कपड़ा लगाकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहीं ये कूड़े का अंबार न जाने कितनी बीमारियों को दावत दे रहा है। मैडम, यहाँ पे एक मुक्तेश्वर अकेडमी स्कूल है, लगभग उसमें कम से कम 500-600 बच्चे पढ़ते हैं और कई स्कूल है, इसमें दून घाटी स्कूल भी है और आमजनों की रोड भी है ये, जिसमें को मतलब हजारों लोगों की तादाद लोग जाते हैं यहाँ को और परेशानी होती है। आपके सामने ये कूड़ा, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है और इस बारे में हमने जिलाधिकारी जी महोदय को 16-8 में भी लिखा, कई बार शिकायतें दे चुके हैं हम, मेरे द्वारा खुद स्वयं कई शिकायतें दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, नाक बंद करके पता नहीं कैसे कैसे बच्चे भी परेशान हैं बहुत जहाँ जाने से, और बस परेशानी है बहुत ज़्यादा। और जब से भी स्कूल में जा रहे जब से यही पूरा यहाँ तक रोड से बीच का आ जाता है, या तो कभी कभी हटाते हैं इसको, नहीं तो फिर बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। हैरानी की बात यह है कि सड़क के पास में स्कूल होने के बावजूद भी स्वच्छता अभियान चलाने वाली सरकार की नजर इस कूड़े के ढेर पर नहीं पड़ी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मतलब जब भी हम जाते हैं तो मुंह पे कपड़ा रख के जाते हैं और बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना यहाँ में, यहाँ से जाने में बीमारियाँ हो रही हैं। हाँ। नेशन वन के लिए देहरादून से मनीष शर्मा के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।